जय हिंद दोस्तों, आज हम हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चन ही मैंने लिखा है और आपके एक्सरसाइज में शायद 7 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए, समझ में। और बहुत ही इजी पार्ट है। अब देखो, इसमें जो एग्जाम में जो सबसे सिंपल होता है ना, वही सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो देखो, मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ कि आपको टाइप भी समझे। ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है कि डिफरेंशिएट एक्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टेन एक्स। ओके, आपको ये डिफरेंशिएट करना है, ये विथ रिस्पेक्ट टू, ये मतलब इसका पहले डेरिवेटिव निकालो फिर इसका डेरिवेटिव। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है पता है, एक को u कंसीडर करना है, दूसरे को v। हमेशा याद रखना, पहले वाले को u x sin x और दूसरे वाले को v tan x। ओके, अब देखो दोनों के पीछे क्या है, x x है, जैसे अब हम पहले जाते थे वैसे ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, डिफ्रेंसिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे सिंपल है ना, सेम ऐसे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, डीवी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, मतलब टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक्स पर एक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, जस्ट चेक करना है कि देखो ये दोनों आ गया ना, यहाँ पे ये यू है, मैंने थोड़ा सा वाई की तरह दिखा है, डी यू बाई डी एक्स है और ए डी डी बाई डी एक्स है। अब देखो यहाँ पे आप एक मिस्टेक मत करना, आपको ये अपन ये लेना है, तो पहले आपको यू वाला लेना, तो आपको मतलब क्या निकालना है, डी यू बाय डी टी, नहीं तो बहुत सारे लोग डी टी बाई डी यू निकालते, पहले ये इसको क्या यू लिया है, तो डी यू बाई डी टी, जैसे आप लिखते थे वहां पर डी बाई डी एक्स का, तो ऐसे क्या लिखोगे, डी यू बाय डी एक्स और यहाँ पे कहेगा डी यू बाय सॉरी यहाँ पे कहेगा डी वी बाय डी एक्स, समझ में आएगी। देखो यू यू से रिलेटेड ये है, डी से रिलेटेड ये, देन यहाँ पे क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे कहेगा सेक्स स्क्वायर एक्स। क्लियर है दोस्तों, यस। तो अपना आंसर जो है वो प्रॉपर आ चुका है, यहाँ पे क्या है, डी यू बाय डी टी विच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ रहे थे, कितना इजी है, दोनों का डेरिवेटिव निकाला उसको अपॉन में ले लिया। तो आपको ऐसे ही करना, बताओ पूरा का पूरा एक्सरसाइज में क्या अलग है, अगर आप एक्सरसाइज वाइज आप अगर पढ़ोगे फोर्थ एक्सरसाइज में तो कुछ अलग दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम वैसे ही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, आपको ये लिखना है। अब देखो यहां पे कल ही मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ फॉर्मुलेस याद रखने हैं, आपको कौन से कौन से फॉर्मुले, जैसे कि साइन टू थीटा में, वैसे तो मैंने बहुत सारा दिया है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉस टू थीटा में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन टू थीटा में अगर आपको याद रखना है तो टेन टू थीटा टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मुझे ये और वैसे इसके अंदर आपको फोर थ्री फॉर्मुले और है, इसके अंदर दो एक फॉर्मुला और है, बट अभी यहाँ पर मैंने इतने ही फॉर्मुले किए, ऑलरेडी मैंने लिख के बताया आपको। आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग, अब देखो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा तो आपको कोटिंग करना है फिर सॉल्व करना है, सॉल्व वैसे ही करना है। तो यहाँ पे मैं इसको यू ले रहा हूँ, साइन इनवर्स टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर और इसको मैं क्या ले रहा हूँ, वी ले रहा हूँ कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो कभी कभी होता है ना दोनों में अलग अलग सब्सटीट्यूशन भी आते हैं, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट
एक्स इक्वल टू यहाँ पर देखो ये किसकी तरह दिख रहा है फर्स्ट वाले की तरह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्लस है देख लो सेम टू सेम पूरा दिखा हुआ, तो एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए वहां पे टेन थीटा, देन यू इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके यू इक्वल टू साइन इनवर्स पता है ना आपको ये पूरे का आंसर क्या है साइन टू थीटा है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे यहां पे आप लिखोगे साइन टू थीटा, देन साइन साइन कैंसिल, देन यू इक्वल टू क्या है टू थीटा, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा लेना यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट मत कर देना, करोगे तो भी फाइनली वहां तक ही पहुंचने वाले हो आंसर कुछ अलग नहीं आता पर नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या करेगा डी यू बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू टू, जैसे एक्स होता है वैसे एक्स का आंसर वन आता है तो वैसे थीटा का आंसर क्या वन आएगा, देन फाइनली डी यू बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू टू, कंप्लीट हो गया ये, आपको क्या करना है यहाँ पे पुटिंग करना है कॉमन पुटिंग है पर आप लिख दो यहाँ पे भी आपको पुटिंग करना है, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा देखो यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन, तो यहाँ पे क्या करेगा डी वी बाय सॉरी डेरिवेटिव निकाल दो वी इक्वल टू कॉस इनवर्स, सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन करना है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, then finally answer क्या आएगा v equal to cos inverse, ये पूरे का answer क्या आता है cos 2 theta, cos cos क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा, then यहाँ पे क्या आएगा 2 theta, okay, then finally हम क्या करेंगे differentiate करेंगे differentiate with respect to theta, then dv by d theta which is equal to, क्योंकि theta का value क्या आता है 1 आता है, तो आपको answer लेकर आना है, अब आप क्या करोगे अब इसके बाद आप लिखोगे we know that du by dv which is equal to du by d theta, समझ में आया कि पहला ये लिखना है फिर ये लिखना है, और यहाँ पे क्या है dv by d theta which is equal to du by d theta कितना है 2 है ये 2 है फाइनल आंसर कितना है 1, तो हमारा आंसर कितना है 1 है, तो गाइस समझ में आपको जहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है उसके हिसाब से अब देखो यहां पे इसके बाद वाला क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है डिफरेंशिएट टैन इनवर्स एक्स अपॉन समथिंग है, मैंने कभी भी बताया कि कभी भी आपको ऐसा आया वन माइनस एक्स स्क्वायर आया ये आपने साइन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना साइन इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स, तो ऐसे मैंने याद करने को बोला था यहाँ पे साइन थीटा पुट करना है कभी भी यहाँ पे साइन थीटा पुट करना है बट इसमें अलग पुट करना है, इसको आप उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा पता है यहाँ पे cos इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे देखो कभी भी ये इस वाले फॉर्मूले में आता है ना cos का अपने अलग फॉर्मूला है यहाँ पे 2 cos square theta minus 1, तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले की तरह ये दिख रहा है कि 2 cos square theta ये उल्टा हो जाएगा तो 1 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे cos इनवर्स हो जाएगा 2 cos square theta minus 1, तो यहाँ पे cos पुट करना है तो फाइनली ये दोनों आपका सॉल्व हो जाएगा, तो ये आपको करना है देन ये क्वेश्चन में फिर से मैं आ रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स एक्स, अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है आप देखोगे तो सेकंड वाले की तरह कॉस है यहां पे देखो ऐसा सेकंड भी है, तो यहां पे हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे यू लेंगे यू इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड वी इक्वल टू tan inverse x, then यहाँ पे हम क्या करेंगे put x equal to हम क्या लेंगे tan theta ना tan theta, then u equal to cos inverse 1, at least ये तीन फॉर्मूले तो आप याद कर लो, यहाँ पे क्या आएगा tan theta का square, तो यहाँ पे square लिखते हैं and 1 plus tan square theta, then क्या हो जाएगा u equal to cos inverse यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पूरे का वैल्यू कितना है पूरे का आंसर कितना आएगा तो आपको पता है पूरे का आंसर क्या है cos 2 का, यहाँ पे क्या cos 2 देन u इक्वल टू क्या आएगा u इक्वल टू जाएगा 2 थीटा, ओके देन यहाँ पे v इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दो पुट यहाँ पे देखो x की जगह पे tan थीटा लोगे तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी x विच इज इक्वल टू tan थीटा, मोस्टली हमेशा सेम ही होता है कहीं कहीं पे अलग होता है, यहाँ पे क्या v इक्वल टू टेन इनवर्स
tan थीटा, tan tan कैंसिल हो गया, थीटा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dv by d थीटा विच इज इक्वल टू है, और यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा du by d थीटा विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 थीटा का वैल्यू तो 1 आएगा ना। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, अब देखो इसके नीचे आपको सॉल्व करना है, मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, आगे आपको करना है du by dv which is equal to du by d theta and dv by d theta, तो आंसर क्या आएगा 2 by 1 आएगा, तो आंसर 2 होगा। यहाँ से आप देख लेना आंसर 2 होगा, तो इसके आगे का स्टेप आपको करना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, इस टाइप का भी आपको समझ में आएगी, कभी भी अगर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन आया तो पहले वाले को आपको क्या कंसिडर करना है, u और उस वैल्यू को क्या कंसिडर करना है v। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे फिर से आया क्या है, 3x विथ रिस्पेक्ट टू log 3 टू द बेस x, दिखाई दे रहा है, पहले वाले को u लो, दूसरे वाले को क्या लोगे v लोगे, यहाँ पे u 3 रेस टू x और इसको v log 3x, ओके। नॉर्मली इसको डिफरेंशिएट करना है और आपका आंसर आएगा, देखो इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे ना, क्योंकि यहाँ पे x है, तो यहाँ पे जाएगा du by dx, तो a रेस टू x का फॉर्मूला, a रेस टू x log a, हो गया ना, ये हमारा फर्स्ट है। यहाँ पे ये पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर सॉल्व होगा, यहाँ पे एक्चुअली ये चेंज हो गया है, तो इसलिए इससे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर ये सॉल्व होगा। तो देखो ये कैसे होगा सिंप्लीफाई, v इक्वल टू log 3 अपॉन log x, मैं लिख सकता हूँ, ये देखो आपको अगर फॉर्मूला पता होगा, log m, यहाँ पे n होगा, तो इसे हम log m अपॉन log n लिखते हैं, समझ में आएगी, तो इसलिए इससे ऐसे लिखा। अब क्या हुआ बताए, अब इसका आप डिफरेंशिएट लो, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो एक प्रॉब्लम है, नहीं आप कर भी सकते हो अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, या तो चलो आपको याद है फॉर्मूला मैंने कराया था 1 अपॉन x रेस टू n का माइनस m x रेस टू n प्लस 1, याद है आपको फॉर्मूला, ये वाला नहीं याद होगा तो उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो गया dv by dx। अब देखो ये log 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना, इसमें x नहीं है, अब ये क्या 1 अपॉन log x है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो प्लीज ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ना कि 1 अपॉन log x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ऐसा रहता ना log x ऐसा अकेला रहता तो आप log x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट ये 1 अपॉन log x है तो ऐसा नहीं होगा, तो 1 अपॉन x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे n, n का वैल्यू कितना है 1, देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 1 ना, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आंसर आएगा, माइनस 1 x रेस टू, x हमारा क्या है log x है, और यहाँ पे क्या आएगा n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, क्लियर, इन टू ये क्या हुआ आपका बैड फंक्शन हुआ ना, यहाँ पे x आना चाहिए था तो बैड फंक्शन हुआ, तो इसलिए log x का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे जब log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय x, क्लियर है, देखो फिर से बता रहा हूँ, तो ये 1 अपॉन समथिंग है, log x रहता तो डायरेक्ट 1 बाय x आता, यहाँ पे 1 अपॉन x रेस टू n का फॉर्मूला आएगा, तो माइनस n, ये फॉर्मूला मैंने बनाया, ये फॉर्मूला मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया, आपके बुक में नहीं है, बहुत सारे आपको कैसे ऊपर लेके माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना रहता तो वैसे मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे इजी बताया। देन फाइनली अगर मैं इसे लिखूंगा तो क्या आएगा, log 3 माइनस log 3 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू x, क्लियर है आपका dv by dx। अब आपको क्या करना है, अपॉन में लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा, देखो यहां डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स क्या है 3 रेस टू एक्स लॉग 3, यहां पे आएगा माइनस लॉग 3 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ओके डरना नहीं है इससे, आएगा आंसर आएगा, देखो मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, तो 3 रेस टू एक्स लॉग 3 अपॉन, मतलब ये वाला पॉइंट ना उल्टा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट उल्टा होने का कैसे हो जाएगा पता है, देखो इन टू यहाँ पे माइनस लॉग 3
log 3 और ये ऊपर आ जाएगा log x का होल स्क्वायर इनटू x। क्लियर है, समझ में आया? बाद में क्या होगा बताएं, देखो ये log 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कभी माइनस साइन नीचे नहीं है तो माइनस ऐसे आ जाएगा 3:x, चाहिए तो x आगे ले लो और यहां पे आएगा log x का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारा du/dv का ये आंसर है। ओके क्लियर है? देखो बहुत ही अच्छा सम था, ये देखो इस सम में थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप है, इसलिए आप अपने बुक में या जहां पे भी आप अपने नोट्स में ऐसा लिख सकते हो कि डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट, यहां पे ये प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये एग्जाम में कर पाओगे। तो गाइस एक या दो क्वेश्चन और है वो आप सॉल्व कर लेना। तो यहां पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है डेरिवेटिव का, 1.5 एक्सरसाइज, वो भी हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, फिर पूरा का पूरा लेसन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज आप घर पे रहो और अच्छे से स्टडी करो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना, जितना हो सके उतना वीडियो को आप शेयर करो, और ये जो कराया हूं सब इसे आपको 2-2 टाइम क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, या से प्रैक्टिस करके आपको ग्रुप में क्या करना है, सम पोस्ट करना है, या से भूलना नहीं है, 2-2 टाइम प्रैक्टिस करो, ग्रुप में पोस्ट करना है, और जैसे ही वो लेसन खत्म होगा मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। रैंडमली मैं किसी को भी कॉल करूंगा, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करके, मुझे जितने टाइम पे बोलूंगा उतने टाइम में आपको मुझे तुरंत आंसर भेजना रहेगा। तो प्लीज अच्छे से करते जाओ, जैसे ही लेसन कंप्लीट होगा फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा। ओके तो आपको तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।